袖だけがおぼつかない夏の終わり明けがあったのでとヘロドストメウエンミコジョーリズバンメレカラフェッチシリーズ पिछले कुछ महीने इसके ऊपर मैं काम कर रहा था, इसकी मैंने सीरीज देखी है और इंटरनेट पे इसके क्रॉनिकल ऑर्डर्स तुमने भी शायद देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो मैं बता देता हूँ, क्रॉनिकल ऑर्डर कुछ ऐसा है कि पहले फेज जीरो देखे, उसका पार्ट वन और पार्ट टू, उसके बाद फेज स्टे नाइट जो 2006 की है, उसके बाद फेज स्टे नाइट अनलिमिटेड ब्लेड वर्क जो बेसिकली 2014 टू 2015 के पार्ट वन और पार्ट टू, और एक और भी है फेज स्टे नाइट हेवन फील्स। तो इन एनिमे के बारे में बात करूँगा और मेरा क्रॉनिकल ऑर्डर क्या है वो भी मैं बताऊँगा। तो पहले हम बात करते हैं एनिमे के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है। इस एनिमे के रिव्यू के लिए मैं अलग अलग वीडियो निकालूंगा एंड हर एक पर अपना अलग रिव्यू मैं दूंगा, और साथ में सबसे पहले मैं बता दूं कि फेट सीरीज़ के अंदर हो क्या रहा है, जो हर एक फेट सीरीज़ में ज़रूरी है उसके बारे में मैं बात करूँगा। तो चलो मैं शुरू करता हूँ, और सबसे पहले फेट सीरीज़ की मैं बात करूँ तो फेट सीरीज़ में हो क्या रहा है। तो सबसे पहले जो कुछ भी हो रहा है ये हो रहा है होली ग्रेल वॉर के लिए। अभी होली ग्रेल वॉर क्या है, बेसिकली होली ग्रेल जो है 200 सालों से होती आ रही है, और एनिमे के फेट जीरो के अंदर ये बताया गया कि 65 इयर्स अगो पहले हुई थी एक लास्ट होली ग्रेल वॉर, और इसके जो फाउंडर है असल में तोसाका फैमिली, मासाओ फैमिली एंड आइजम्बन, और ये लोग फाउंडर है जिससे होली ग्रेल आती। अभी होली ग्रेल होता क्या है, होली ग्रेल वॉर से जो कोई भी इंसान की जो विश है वो उसको पूरी कर सकता है। अभी होली ग्रेल वॉर अटेन कैसे होती है, उसके लिए 7 वॉरियर्स को चुना जाता है जो बेसिकली होते हैं सर्वेंट। अब जो ये 7 वॉरियर है इनके हर साल अलग अलग बदल बदल के आते हैं अलग अलग, पर इनको एक क्लास में डिवाइड किया है, जैसे कि उनके रियल नाम से नहीं बोला जाता, उनको बुलाया जाता है उनके क्लास, जैसे कि मैं क्लास बता देता हूँ। सेबर जो है नाइट ऑफ सोर्ड, आर्चर जो धनुष तीर लेके घूम रहा है, ब्रसेक जो असल में पागल वॉरियर है और एक राक्षस टाइप का है, फिर आता है लैंसर जो भाला लेके घूम रहा होगा, और फिर हम बात करें एसासिन, अब नाम से मालूम पड़ेगा जो खुफिया रहते जो किसी की भी जान ले लेते, फिर आते कास्टर, इन शॉर्ट जादू टोने वाले टाइप के लोग, और लास्ट में आते राइडर जो यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, और हर एक सर्वेंट को उनकी डिफरेंट पावर दी जाती है। अब ये तो मालूम पड़ गया कि तो सर्वेंट है, अब इनके मास्टर कौन होते, मास्टर असल में होते इंसान ही होते जो होते 7 ह्यूमन, और ये ह्यूमन असल में होते हैं मेज। अब मेज वर्ड तुमने सुन लिया होगा, एनिमी वर्ल्ड के अंदर जो मेज है उसका मीनिंग होता है मैजिशियन, ना कि हाथ सफाई वाला रियल वाला जादू, और डिफरेंट पावर्स, और इसके अंदर कुछ आउटसाइडर्स भी इंक्लूड होते हैं, जो 3 फैमिली होती है इन्हीं के अंदर ये असल में होली ग्रेल वर्ल्ड घूम रहा होता है, और बाकी के आउटसाइडर्स को तो बाहर निकालने के मतलब आउटसाइडर को चुना जाता है, उनकी लड़ाई होती है, पर कहीं ना कहीं इसके अंदर स्ट्रेटेजी बना के कुछ लोग इनको आउट कर देते हैं और कुछ लोग अपने अंदर ही रख लेते हैं। इसका एग्जांपल तुम्हें देखने को मिलेगा फेट जीरो के अंदर, असल में फेट जीरो ही असल में उसकी शुरुआत है। अब बात आ जाती है इसकी क्रॉनिकल ऑर्डर की, तो क्रॉनिकल ऑर्डर का जो मेरा क्रॉनिकल ऑर्डर है वो असल में कुछ ऐसा है कि सबसे पहले मैंने देखी थी फेट सीरीज को 2006 में, मैंने सोचा कि इस एनिमी को मैं उस हिसाब से देखूँ जिस हिसाब से क्रिएट किया गया, तो मैंने देखी फेट स्टे 2006 एंड देन फेट जीरो एंड देन फेट स्टे नाइट अनलिमिटेड ब्लेड वर्क। तो असल में फेट जीरो सबसे पहले आई थी फेट स्टे नाइट, और फेट स्टे नाइट के अंदर कौन होगा मेन हीरो वो एनिमी कैसी उसकी मैं बाद में बात करूँगा अपने रिव्यू वीडियो में, और फेट जीरो जो वो असल में प्रीक्वल, अभी प्रीक्वल है फेट स्टे नाइट का। अब तुम सोचोगे कि फेट स्टे नाइट अनलिमिटेड ब्लेड वर्क फिर क्या है, वो असल में उसकी बात की कंटिन्यू वाली एनिमी, असल में ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम पहले कौन सी एनिमी देखोगे, फेट स्टे नाइट या फिर फेट स्टे नाइट अनलिमिटेड ब्लेड वर्क, क्योंकि जो ये अनलिमिटेड ब्लेड वर्क है वो असल में अल्टरनेट टाइमलाइन है, यहाँ एमसीयू की जैसे एक अल्टरनेट टाइमलाइन रखी गई जिसको तुम देखो या ना देखो तुम पर है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें एनिमी को कंटिन्यूसली अगर देखना है तो तुम फेट स्टे नाइट अनलिमिटेड ब्लेड वर्क देखो, पर अगर तुम एनिमी से बोर हो जाओगे या फिर तुम्हारी फेवरेट असल में सेबर है तो तुम फेट स्टे नाइट 2006 ही देखो, क्योंकि फेट स्टे 2006 के अंदर इंपॉर्टेंस दी गई है सेबर कैरेक्टर को, हमें फेट जीरो के अंदर मेन प्रोटैगनिस्ट है, और उसी तरह फेट स्टे नाइट अनलिमिटेड ब्लेड वर्क के अंदर रीन तोसाका और आर्चर
इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है और रिन तोसाको को सेबर से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है और सेबर को थोड़ा कमज़ोर भी दिखाया गया है, उसको ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया गया। तो ये दो अलग टाइमलाइन के ऊपर एनिमी सीरीज़ है और अदर भी और भी सीरीज़ है, और भी फेट की सीरीज़ है जिनको हम फिर कभी बात करेंगे अपने रिव्यू वीडियो में, पर मैंने सिर्फ इतना ही फॉलो किया है फेस टेनेट फेस ज़ीरो और फेस टेनेट अनलिमिटेड ब्लेड वर्क, और इनके ऊपर मैं एक रिव्यू वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगा। तो अभी के लिए इतना, बाय बाय। Kurage no yō na tsuki ga hazeta masute